गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेडियो एक्टिव इस मूवी का एक्सप्लेन। मैडम मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के लिए। इनकी रिसर्च की वजह से पता चलता है कि कितने लोग कैंसर की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। नो डाउट इनके बारे में कितना भी कहा जाए वो सभी कम होगा। और मूवी का फर्स्ट सिनेरियो जब मैडम मैरी क्यूरी लैब में गिर गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, वो सब वो रिकलेक्ट करती है। वो अपने हस्बैंड को देखती है, यानी कि पेरी को देखती है और बहुत खुश होती है। और अपनी आखिरी सांसों में वो अपने हस्बैंड के साथ इस दुनिया से खुशी खुशी चली जा रही होती है। मैरी क्यूरी की मौत 4 जुलाई 1934 को हुई थी और उन्हें उनके पति के पास ही बरी किया गया था। आइरिन क्यूरी और उनके हस्बैंड फ्रेडरिक के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला गया था। एज आई सेड बिफोर, लाखों लोगों को एक्सरे रेडियोग्राफी की वजह से वर्ल्ड वॉर में उनकी जान बचाई गई थी। और आज तक रेडियो थेरेपी को फ्रांस में क्यूरी थेरेपी भी बोला जाता है। और हमें एक मैरी का फ़ोटो बताया जाता था जहाँ पर सभी साइंटिस्ट थे, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एज सेड बिफोर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।